इशारा करत रहे हमरे मास्टर कौनो मेहरारू के दुख बा। पहले तो मरद के घर आवत रहले निरंजन मटी लगना कमहू नहीं खेजात झनकवा मरद रहल पासपोर्ट बनवौलस वीजा मंगौलस आ जब वीजा आ गई चल गई लेके हाली पांच बरिस खातिर अभी मेहरारू के कष्ट हो गई बा। उ ननद अपना भौजी से कहतिया गईले ऊ जाप से अइले ना ताप से गईले ऊ जाप से हो अइले ना ताप से अइले ना राजा मोर अरब से ए भौजी रे अइले ना सैया मोर बाबूजी लोग हम बिरहा गायक राम को ले आदो एवं साथियों के आवाज में आप सबके बीच में ऑडियो वीडियो को बिरहा भेजतानी जो ने बिरहा के रिकॉर्डिंग आर भी स्टूडियो भीमपुरा बलिया में होत बा। ये वो ऐसा बिरहा बा जो ना बिरहा में न चोरी न किसी की हत्या न किसी का बलात्कार और न किसी के साथ अन्याय न पाप। नई बिरह में चोरी बा न हत्या बा न बलात्कार बा न पाप बा यह चार चीज नहीं है। आखिर बिरह बा कैसन हो मास्टर भूमिका का भाव लगत बा। संत सत्संग शांति सवर साधना सुरा सुंदरी से सिलम सर्वदा नेक नियत नसीहत निहारे नयन नीक नूतन नवेली निर्मला नर्मदा गुलगुलिस्ता गजरा गमकता गजब गर्दिश गरीबी गिरे गम गढ़ा बाबा बालक बिटिया बुलंदी बची ब्रह्मा विष्णु विधाता बिना बर बना ये बिरह के बड़ा सुंदर भाव से लिखल है पवन कवि हमारा इलाहाबादी जी। बिरह में बड़ी एगो पुराण गजल का नमूना बा कैसे मास्टर बा ब
बाबा। अरे सुन लिया है सब मैंने, अपने जवानी में मेलसी साहब तर्ज के गाई गजल के, अरे सुन लिया है सब मैंने, जो तुम्हें सुनाना है, जो तुम्हें सुनाना है। गैर से मोहब्बत है, अरे गैर से मोहब्बत है, अरे दर्द का बहाना है। लेकिन कवि जी विरह में बड़ा सुंदर भाव लिखल ह, अरे जुर्म और पापी का, अरे जुर्म और पापी का ना कहीं ठिकाना है। ना कोई ठिकाना ठिकाना है, जो लिखा है किस्मत में, जो लिखा है किस्मत में वही जग में पाना है। लोग कहेला कि कोट करे चतुराई, विधि क लेखनी मेट न जाई। कहानी के करबा कैसन बा हो बाबू, ध्यान से विरह के सुनल जाई, कहानी शीशा जैसन झलक जाई। नज्म का लाइन लगल मास्टर, प्रांत पंजाब में, प्रांत पंजाब में लुधियाना शहर आला है, धर्मपुर गांव जो बसा बड़ा निराला है। साधु सुरखू का, साधु सुरखू का वही पे रहा डेरा है, कुलविंदर बेटा जो लगाया वही फेरा है। साधु से बालक, साधु से बोला बालक है शीश झुकाई के, माता पिताजी गईले हैं स्वर्ग सिधाई के। बचाऊ साधु बाबा, बचाऊ साधु बाबा घर पे हम अकेला जी, हमको बना लीजिए आपने अब चेला जी। समझ नहीं हो भैया, सुखू राम साधु जी रहत रहलन कहा, पंजाब के अंतर्गत लुधियाना शहर में एक गांव धर्मपुर, वही धर्मपुर गांव में साधु सुखू राम जी रहता, वही बाबा के
आश्रम पर एक सरदार परिवार का लड़का जिसका नाम कुलविंदर है, जिसके माता पिता मर गए हैं, अनाथ बेटा हो। बाबा के आश्रम पर पहुंचल बा कुलविंदर, अजा के हाथ जोड़ के, ए भैया उ लैका को बात कहलस साधु सुखू राम जी से, का कहलस तर्ज बदल गई। उहे दर्जबा गईले जब से बाहर आया गईले जब से बाहर आया दी आवे बारी बार हो चिड़ैया बन के उड़ गईले गईले जब से बाहर आया दी आवे बार बार हो चिड़ैया बन के उड़ गईले सैया जी हमार हो चिड़ैया बन के उड़ गईले जब सुखू राम साधु बाबा से कहलस कि बाबा हमके चेला बना लग अलग ही बना ले बना लूंगा बेटा लेकिन एक काम करना होगा। बाबा कहतलन का कलन बाबा बोले बतिया के कर स्वीकार हो मस्जिदिया के भीतरी तू मस्जिदिया के भीतरी तू बाबा बोले बतिया के कर स्वीकार हो मस्जिदिया के भीतरी तू जैता एक बार हो मस्जिदिया के भीतरी तू हिंदू है हम भी हिंदू हैं लेकिन चेला बनाऊंगा तुझे तब जो सामने वो मस्जिद दिखाई दे रही है उस मस्जिद में जाओ और एक काम करना होगा। बाबा कहतारे अल्लाह अल्लाह कही हो अल्लाह अल्लाह कही हो तू हमारे हो चेलावा कमवा तो हार सारा होइयो लबेलावा खेलावा कुदरती तू देख संसार हो मस्जिदिया के भीतरी तू जैता एक बार हो मस्जिदिया के भीतरी तू ए बेटा जाओ और उस मस्जिद में जा करके जो मुसलमान लोग चादर बिछा करके नमाज पढ़ते हैं
उस चादर पर बैठ करके और तीन बार अल्लाह 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 का नाम लेना। ए भैया बाबा के कहले पर उचेला गईल कुलविंदर और जा करके उस मस्जिद में जिस पर लोग नमाज पढ़ते हैं उस पर बैठ करके और अल्लाह 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 करने लगा। भईल हका हो बाबू जन मस्जिद का मेन पुजारी बनो मौलवी साहब देखला हो ये सारा हिंदू का लड़का हो करके अल्लाह अकबर करत है ये मेरे मस्जिद में आकर के अल्लाह अल्लाह कर रहा है ये मेरा चादर खराब कर दिया। बाबा गुस्सा में लाल हो गए तरज बदल गई मास्टर तरद रहल हो भैया लेकिन बिरहा में भाव लग गई। अरे हमार चादर दागी कैलस कुलविंदर आखिरकार एक मुल्ला थे जो उस कुलविंदर को पकड़ लिए मारने लगे। ये नमाज पढ़ता है अल्लाह का नाम ले रहा है तो पकड़ करके इसको मुसलमान बना दो। ए भैया चूंकि कुलविंदर सरदार का एक बेटा है पकड़ लिए मुसलमान जबरी करने लगे उसको मुसलमान बनाने के लिए लेकिन वह किसी तरह से वहां से भाग निकला लड़का। अब भाग करके मंदिर पर आ गया। आज वो मौलवी साहब मुल्ला साहब पहुंचला है कहा वही साधु बाबा सुखुराम के आश्रम पर कहतलन का कलन बाबा जी चेलावा के तो तू समझाई नहीं तो हो जाई बहुत बुराई अरे पिटाई करब जम के भाग जस बंदर हमार चादर दाग कैलस कुलविंदर। साधु बाबा जब हम मुसलमान आप लोगों को नहीं छेड़ते हैं आपके धर्म से खिलवाड़ नहीं करते हैं तो फिर
ये आपका चेला जा करके मेरे मस्जिद में मेरा चादर खराब किया है। ए भैया आखिर बाबा साधु जी और ओ मुल्ला साहब मने मौलवी जी में बहसबाजी होके लगल। सुखुराम साधु जी कल गए क्या कर रहे हो, मुल्ला बने हो, कैसा मुल्ला बन गए तू, धर्म को बांट रहा है। अरे लड़का है, जा करके अल्लाह कह दिया तो क्या कह दिया, भगवान का ही नाम लिया है। पहले अपने अंदर झांक करके देखो तुम कैसे मुल्ला बन गए हमको बताओ। कल की बाबा हम क्या बताएं, आप बाखूबी जानते हैं मेरे बारे में, थोड़ा बता दीजिए कि हम मुल्ला कैसे बने हैं। सुखुराम महाराज जी कल की तुम्हारी बीबी मर चुकी है ना, कल के हाँ मेरी बीबी तो मर चुकी है। मुल्ला साहब का तना किसके शोक में मरी है, तुम्हारे बेटी के शोक में मरी है। तू दोनों प्राणी उस बेटी को लेकर के अजमेर मेले में एक साथ घूम रहे थे, तुम्हारी बेटी उस मेले में छूट गई और उसी के शोक में तुम्हारी औरत मर गई और उसी के चलते तू मुल्ला बना है और धर्म की बात करता है। अरे लड़का है जाने दो। ए भैया आज मुल्ला साहब हाथ जोड़ के कहल के हे बाबा हे साधु जी, आखिर हम अपनी जिंदगी में कबले ही झेलब। बाबा कहल कि झेलना नहीं, औरत तो मर गई लेकिन तुम्हारी लड़की मरी नहीं है, जिंदा है। साधु बाबा बतौल हम मौलवी साहब से कि आपकी बेटी जिंदा है, मिल जाएगी, लेकिन तुझे एक काम करना होगा। सुखुराम जी मौलवी साहब से कहतन तरज बदल गिल मास्टर। उहे तर्ज बा ठाढ़ रहो मुरली वाले, कि है मौलवी साहब आपको एक दिन जाना होगा, कहां जानते हैं, ईसाबाई के कोठे पर, वहां जाइए और वहां आपका पाप कट जाएगा। आज मौलवी साहब चल रहा हूं, कहां गई हो, मुल्ला गईले बेस्या के द्वारी, अरे मुल्ला गईले बेस्या के द्वारी, रुपया गले के पिटारी, रुपया गले के पिटारी, ईसा बाई के कोठे पर साधु के कहने पर मौलवी साहब गई हूँ, बड़ा रुपया लेके गई बड़ो। रुपया वाले जाके कहल का दिहले ईसा बाई के सारा रुपया, ऐसन मोड़ा पर पहुंचल समैया, लुगैया के चाहत बा भारी,
लुगैया का चाहत बा भारी रुपैया का लिहल पिटारी जिया हाई देखा हो भैया बाबा बतौलन हो कीसा बाई के कोठा पर चल जाई हो जितना तोहरा लगे रुपया हो लेके जाई हो वही कोठा पर ईसा बाई के कोठा पर जाई हो सबसे बढ़िया खूबसूरत जो लड़की हुई ओकरे से मिली हो और लड़की से जब मिलब ओकरे बाद फिर वहां से जब तू अब तोहरा लड़की से मुलाकात हो जाई लड़की मिल जाई ईसा बाई के कोठे पर चले जाओ तुम्हारा जीवन सवर जाएगा है मौलवी मौलवी आई हुआ 5 लाख रुपया लेकर 5 लाख रुपया लेकर के मौलवी साहब उसी ईसा बाई के कोठे पर आए हैं 5 लाख रुपया दिला हूं कल गए ईसा बाई तुम्हारे कोठे पर जो सबसे खूबसूरत लड़की है मुझे उसके साथ सोना है ले लो 5 लाख रुपया विराह सोने वाला भैया लोग वही एक लड़की है 16 साल पार कर चुकी है वही उस मुल्ला मौलवी के सामने लड़की आई और बाबा जब देखे उस लड़की को बड़ी खूबसूरत विरह सुने वाला भैया लोग आखिरकार यहां भइल हका हो सामने लड़की है एक और बाबा है कपि जी बड़ा सुंदर भाव विरह में टेरी कल खला हा हरे कसाई कर पे पोरी कल्पना कोमल कली काप के कोरा कैसे कल्प ए भैया आज बाबा इशारा करत हो क्या हो सोच रही है 16 बरस की वह लड़की जिस लड़की का नाम उस कोठे पर सीमा बाई है विरह सुने वाला हमार भैया बाबू लोग वो सीमा बाई सोच रहे कि वाह हम अजमेर गए थे अपने अब्बा मम्मी के साथ साथ छूट गया मुझे ईसा बाई पा गई मेरा पालन पोषण जरूर की लेकिन आज 5 लाख रुपए पर मेरी इज्जत लूटी जाएगी शर्मा रही है वो बेटी बाबा रुपया देले हो बुलावत हूं बेटी जब लड़की ऐसे नहीं आई तो बाबा के मुंह से निकल गया कि बेटी क्यों शर्मा रही हो आ जाओ मैं तुम्हारे लिए रुपया दिया हूं विरह सुनने वाला भैया लोग यहां एक लाइन तरज लग गई लो धीरे धीरे रिम झिम बुनी परत बा आषाढ़ सावन का महीना चलत बा मरद के परेशानी होके लगली भादो के महीना में अखिला चंदन हो ए बिजेंद्र अजमित ये भादो में लोग कहला के सुगा भी उपास कइले हो खाली भैंसन का राज रहला कौनो मरद अपना दुल्हन से कहता अरे रुन झू अरे रुन झुन खोला ना हो केवड़िया अरे रुन झुन खोला ना हो केवड़िया
सीमा बाई जिसके लिए मुलभी साहब 5 लाख रुपया दिए थे, उस ईसा बाई को बाबा के मुंह से जब निकल गई आवाज की बेटी तुम्हारे लिए पैसा दिया हूं, तुम डरो मत मेरे पास आओ, आज हमारे भगवान तेरी भी लीला गजब है। हाथ जोड़कर गन 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 कांप रही है वो लड़की और कह रही है कि बाबा बाबा आप मुझे बेटी बोले ना और मुझे अपने पास बुला रहे हैं। बाबा नहीं बाबा आप तो मेरे पिता न हो गए। कहती बात ए बाबू ए बाबू कैसे लुट पाई जतिया, ए बाबू कैसे लुट पाई जतिया हमारी बतिया सुन लना, बिरह सुनने वाला भैया लोग बिरह से ध्यान न हटाए। मैंने पहले ही बताया कि एक बिरह की एक अलग कहानी है, यह प्रभु की लीला है। बिरह सुनने वाले साथियों आज वह बेटी उस मुल्ला साहब से कह रही है कि साहब अपने मुंह से कहला बेटिया अपने मुंह से कहला बिटिया कैसे लेके सुतबा खटिया, हे बाबू आप हमके बिटिया कहला न, हे बाबा हमारा आबरू छोड़ दो बहुत विपद को मार लई हो बाबा। रोत बाऊ लड़की कहत बा अपने मुंह से कहला बिटिया कैसे लेके सुतबा खटिया, अरे मटिया मिलिए किस्मतिया, अरे मटिया मिली है हो किस्मतिया हमारी बतिया सुन लना, हाथ जोड़ के झर 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 रोती बा उसी माँ कलश किए बाबा हम कौनो बेसिया के लड़की ना आयो, हम मजबूरी में बाड़ी। दूसरी लाइन अंतरा में फिर कहत में मास्टर रोहित के जरिए में ये साहेब ए बाबा बाबा हो तनी हमारे बारे में जान लो हो बाबा कि हम केकर बेटी है। कहत बा बिछड़ी मेला में महतरिया बिछड़ी मेला में महतरिया पहली सावही घरिया, कलश के बाबा हमार अब्बा हमार मम्मी लेके हमके मेला में लोग गई रहल अजमेर मेला, आ वही जे आंधी तूफान आई हमार अब्बा मम्मी से साथ छूट गई, मैं अकेले जा रही थी और जिसके घर आज रह रही हूं यही ईसा भाई मुझे पा गई और मुझे पालने पोसने लगी और आज जिसके घर पे रह रही हूं बाबा मेरे आबरू को छोड़ दो, बाबा मेरे आबरू को छोड़ दो, पता न मेरी अम्मी और मेरे अब्बा कहाँ है।
कहत बा रोवत बाहो बाबू बिछड़ी मेला में महतरिया पहली सावोही घरिया अरे देरिया लागल ना वही बखतिया देरिया लागल ना वही बखतिया हमारी बतिया सुन लना बाबू आखिरकार बेटी जैसे जैसे कहते गई वह मौलवी साहब के आंख से झर 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 आंसू की धारा बहने लगे। आज 5 लाख रुपया दे करके झंक रहे हो बेटी सामने अपनी बात को कह रही है वो नहीं समझ रही है कि वही हमारे अब्बा हैं जो हमें मेले में छोड़ दिए मेले में साथ छूट गया। लेकिन जितनी बात कह रही है सारी बात मौलवी साहब सुन के अवाक रह गए। आज भैल का बाबू बिरहा में पपट का भाव लग गई। अरे मुल्ला आवाज बैले सुन के पतिया छतिया फाटलू अरे आज बैल बा बेटी से मुलकतिया छतिया तो असलम बताए मुल्ला आपन सही नमवा हो असब नम नाम बिटिया बचवल बाधरा मवा हो तसीमा बाई बन के सहे विपतिया फाटला उतर न पाई न थुनी वही बखतिया छतिया फाटे ए भैया लड़की कलश की बाबा हम मुसलमान का बेटी हैं हमार नाम असली हमार नाम जो नाम से पुकारल जाते हमार नाम ना हो हमार नाम असली हमार अब्बा मम्मी हमार नाम शबनम रखले रहलन यहाँ कोठा पर जब हम अली हमके ले ली धर्म को मतारी तो हमार नाम सीमा बाई रखली सारी बात बतावत ये बाबा भी झरझर रोवत हूं कल की बेटी तू सबनम हो अरे पगली तब तो तोरा भागा बाप है रे तोर माई तो ये दुनिया के छोड़ के चल गली तोरे शोक में हम ही तोर अब्बा है हमार नाम असलम है बेटी आज अल्लाह की कृपा भइल कि आज बाप बेटी का मुलाकात भी भइल आयोगा भागा बाप की बेटी की आबरू भी बच गई। आज भइल हकाओ भैया बिरहा में अल्लाह का भाव लगत बा तो छाती से लगा के रोई मुल्ला कोठा वही पर बाबू
बिटिया से हो गई लंदीदार, बेटी के लिया के मुल्ला पहुंचे बाबा लगवा बाबू, बाबा से रजिया बेगम बीबी जग से मर मर गईली बाबा, बेटी के गम में सुना मर करतार, असल मुल्ला काजी बन के मस्जिद में राहत राली मनवा के हम मार, मुल्ला से बोले बाबा एक बतिया भैया, सारी बात बतौलन है आके मुल्ला साहब अपने बिटिया के ले कर लेन वही साधु जी के लगे जो साधु जी भेजले रहल आके प्रणाम कैल हँ, बेटी भी प्रणाम कैल सिय, उ लड़िका कुलविंदर भी वही जे बाबा के लगे हँ जो जाके अल्लाह अल्लाह कैले रहल मस्जिदिया में। सारी बात के जब मुल्ला साहब बाबा से कल हँ, चूंकि बाबा हिंदू थे, कुलविंदर सिख था, मुल्ला मुसलमान थे और ईसा बाई जो थी वो ईसाई थी, चार धर्म लड़त हो जाए, बाबा साधु जी हिंदू, कुलविंदर सिख, मौलवी साहब मुसलमान और ईसा बाई जो थी वही ईसाई थी, चार धर्म का मिलान भइल विरह सुने वाला भैया लोग। आखिर बाबा मुल्ला साहब से कहल के महाराज चार धर्म का मुलाकात भइल देखाई, चाहे अल्लाह कह राम कह हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, हम सब एक हैं, जब एक हैं तो ये मेरा चेला भी कुलविंदर जवान है और मौलवी साहब आपकी बेटी सबनम भी जवान है, भाई हम लोग की तो उम्र तो बीत चुकी है, क्या करेंगे हम लोग, कुछ करा जाए कुछ किया जाए, साथ में वो भी खड़ी है ईसा बाई जो सबनम को अपना बेटी बना करके उसका पालन पोषण की थी, चारों धर्म सामने खड़ा है, चारों लोग खड़ा हुआ आज है भैया, मौलवी साहब हाथ जोड़ के वही सुखू राम साधु जी से निवेदन करो तड़ा का कल हाँ। मौलवी साहब साधु जी लोग बतियावत हुए कहत रहा मौलवी साहब का कि हम आप समधि बन के अरे जब संसार हो
चारों धर्म के मेल भइले कुदरत का खेलवाड़ हो। उजड़ल चमन में दियल सुमन खिलाए बाबा जी अपन चलवा से साथी दरा जाई बाबा जी। धर्म मिल करके हिंदू सिख ईसाई और मुसलमान मिल करके एक हुए और भैया हो कुलविंदर और शबनम की शादी हुई। भाव हो कि पाया कुलविंदर शबनम प्यारी सहज दिया बाबा आशीर्वाद से मिलली आज दिया। अरे सारा कमवा दिया जहां में बनाई बाबा जी तय अपने चलावा से साथी दरा जाई बाबा जी। कुलविंदर भी टूर टापर बेटा था और ये बेटी भी बिना माँ की हो गई थी, सिर्फ मौलवी साहब थे। आखिर दोनों की शादी हो गई और दोनों एक साथ उसी मंदिर के बगल में आलीशान बिल्डिंग बनाई गई और आनंद की जिंदगी जीने लगे। बिरहा हमार समाप्त भेल हो भैया। आखिरी भाव जय जथारी गुरु जादू लौटन की लहर फुलवारी गंगा सागर सुभाष बितवा रामनाथ हरि शंकर की तैयारी। कसाई कर पे कोरी कल्पना ली